सर्दी आ चुकी है और सर्दियों के आते ही हर घर में बनती है एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, वो है ये गोंद के मेवे के लड्डू। वैसे तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब भी आप इसे खा सकते हैं। इस लड्डू को और भी हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करती हूँ कुछ खास इन्ग्रीडियंट्स, वो क्या है चलिए देखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन जायका विद सारा, जहाँ मैं शेयर करती हूँ इजी क्विक हेल्दी होममेड रेसिपीज जिसे आप भी बना सकते हैं घर पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक कढ़ाई, क्योंकि हमें करनी है सारी चीज़ों की रोस्टिंग। और वो सारी चीज़ें हैं ये कुछ मेवे, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम ले रहे हैं मखाना। इन सभी चीज़ों के नाम और मेजरमेंट्स आपको नीचे स्क्रीन पर मेंशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है सूजी, यस मैं इसमें सूजी ऐड करती हूँ, मोस्टली लोग ऐड करते हैं। साथ में है गोंद, अखरोट, ये है कुछ मिक्स सीड्स जिसमें है तीसी, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और मगस। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पिस्ता, उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक किशमिश। अगर आपको नॉर्मल रेजिन या किशमिश मिल जाए इट्स ओके, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लैक ही चाहिए। नेक्स्ट है बेसन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ बादाम, कुछ मूंगफली, आप चाहे तो यहाँ पर काजू भी ले सकते हैं। बेसिकली आप मेवों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप अपने मनचाहे या जो भी अवेलेबल हो वो मेवे ले सकते हैं। आप चाहे तो इसमें सूखा नारियल भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी रोस्टिंग, जिसके लिए हमें लेना है शुद्ध देसी घी, और इसके गर्म होते ही हम एक एक करके सभी चीज़ों को करेंगे रोस्ट। तो घी हमारा हो चुका है ल्यूक वार्म यानी नीम गर्म। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे अखरोट, इन्हें हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, यानी हल्की हल्की रोस्टिंग करनी है जिससे एकदम लाइट गोल्डन कलर। बेसिकली इसे हम रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि ये क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे चंक्स में या फिर पाउडर फॉर्म में पीस सके। तो रोस्टिंग का सबसे मेन रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, और सेकेंड थिंग ये है कि जब आप इसे रोस्ट करते हैं तो उसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स की जो एक रॉनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा करने से ड्राई फ्रूट के टेस्ट में कोई डिफरेंस तो नहीं आता, तो घबराइए नहीं, घी की वजह से ड्राई फ्रूट का टेस्ट और इन्हेंस होता है, उसमें और भी ज़्यादा बेनिफिट्स ऐड होते हैं। और इन्हीं बातों के बीच हमारे अखरोट हो चुके थे लाइट गोल्डन रोस्ट, तो मैंने उन्हें निकाल कर अब मैंने फिर से घी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है बादाम। इन लड्डुओं को हम गोंद के लड्डू क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्वान्टिटी में गोंद, और गोंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहले इसे रोस्ट कैसे करना है मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद इसके बेनिफिट्स की भी बात करूंगी। गोंद को रोस्ट करने के टाइम कभी भी एक साथ ढेर सारा गोंद ना ऐड करें घी में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें, क्योंकि जो गोंद होता है वो घी के साथ रिएक्ट करके पफ करता है। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गोंद है वो बहुत तेज़ी से पफ करके जलने की भी कंडीशन में आ जाता है, सो इसलिए हमें इसे बहुत क्विकली रिमूव करना होगा। और जब बारी आती है इसके बेनिफिट्स की, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है, ये वेट लॉस के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ये डाइजेशन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। वैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, सोडियम एक्सेट्रा चीज़ें भी होती हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिंस होते हैं, लेकिन सभी ड्राई फ्रूट्स में जो है वो कैल्शियम एक हाई अमाउंट में होता है। और ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हम सर्दियों में इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके अंदर हम और भी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे बेसन हो गया, सिंघाड़े का आटा हो गया, और आगे मैं आपको बताऊंगी कुछ अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिसके ओवरऑल इफ़ेक्ट से हमें सर्दियों में सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्शन होती है। तो जी ये बात हुई गोंद के लड्डू के बेनिफिट्स की। अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पिस्ता और मूंगफली के दाने यानी सेंग को एक साथ रोस्ट किया है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत हार्ड थे और इनको थोड़ी ज़्यादा रोस्टिंग चाहिए होती है। उसके बाद है जी ये काली किशमिश, इसे मैं रोस्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे बिना रोस्ट किए एज इट इज़ चॉप करके या ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा इसे भी रोस्ट कर लूँ और
टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे जैसे ही घी में ऐड किया, ये पफ करके पूरे अंगूर की तरह से बन गए। अब हमें इसे थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स के लिए रोस्ट करना है और उसके बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको इसे क्लोजअप से दिखा देती हूँ। चलिए, अब ये हो चुका है, इसे कर लेते हैं रिमूव। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे हमारे मिक्स सीड्स। अब इसे हम कर लेंगे अच्छे से रोस्ट। मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो लिटिल बिट घी ऐड कर सकते हैं। सीड्स को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ना इसमें कोई कलर चेंज करना है, बस इसको हमें क्रिस्पी करना है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, अपने डेली रूटीन में ऐड करें, क्योंकि सीड्स वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो अब हमारे ये सीड्स रोस्ट हो चुके हैं, इसे कर लेते हैं हम रिमूव। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे अगेन घी। और अब हमारे फाइनली रोस्ट होंगे मखाने। मखानों को मैंने यहाँ पर दरदरा कर लिया है, आप होल मखाने रोस्ट करके फिर उसे पीस लीजिए। मखाने की रोस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर का मॉइस्चर हमें ख़त्म करना होता है, और जब तक ये मॉइस्चर रिमूव नहीं हो जाएगा, मखाने क्रिस्पी नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पर मखानों को रिमूव कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर रोस्टिंग के लिए डाल दिया है सूजी को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लड्डू बनाने की रेसिपी तो बहुत इजी है, ये ड्राई फ्रूट्स के या गोंद के लड्डू जो भी आप कह लें, रेसिपी तो बहुत आसान है, बस इसमें काम है पेशेंस और मेहनत का, कि आपको सभी चीज़ों को रोस्ट करना है और उसके बाद उसे पीसना है। आगे बताती हूँ रेसिपी में और क्या क्या है। तो चलिए, फ़िलहाल मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ घी में थोड़ा सा ऐड किया है हल्दी को, क्योंकि हल्दी बहुत ही अच्छी होती है, गर्म होती है, जो हमें हीट प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए मैंने बेसन से पहले थोड़ा सा हल्दी को ऐड करके इसे भी अच्छे से बेसन के साथ रोस्ट कर लिया, ताकि उसके जो वो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट मैं अगेन ऐड कर रही हूँ घी। और अब मैं अपना मेन और मोस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है अदरक, इसे हम अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे, इसका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे और इसे अपने लड्डुओं में ऐड करेंगे। वैसे बेसिकली तो इसमें ऐड होती है सौंठ, जो कि होता है सूखा अदरक, लेकिन जनरली वो नहीं मिल पाता, उसके लिए मैंने ये आपको ऑप्शन दिखाया है कि अगर आपको सौंठ ना मिले, आप अदरक को अच्छे से रोस्ट करके उसे अपने लड्डुओं में ऐड कर लें। सो फाइनली हमारा रोस्टिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। जितनी भी चीज़ें मैंने ली थी, इन सभी को मैंने कर लेना है अच्छे से ग्राइंड। आप चाहे तो इसे फाइन ग्राइंड करें जैसे मैंने किया है, या फिर हल्का दरदरा रख ले, या फिर चॉप कर ले, जैसा आपको मन करे। बस इसके हमें बनाने हैं अब लड्डू, या फिर आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आती है स्वीटनेस की, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड़, क्योंकि मैं बना रही हूँ गोंद के गुड़ के हेल्दी लड्डू, यानी डाइट लड्डू। आप चाहे तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी या फिर नॉर्मल चीनी को लेकर पीस कर वो भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ का हमें यहाँ बना लेना है सिरप, जो हमारे लड्डुओं के बाइंडिंग में भी काम आएगा। तो जिसके लिए हम लेंगे एक पैन में पानी, और उसमें हम ऐड कर देंगे हमारे गुड़। अब इसे हमें पकाना है अंटिल ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाते, और कुछ इस तरह का सिरप हमें बनाकर रेडी कर लेना है। मैंने गुड़ के मेल्ट होने के बाद इसे अप्रोक्स 2 मिनट और पकाया था, और ये हमारा सिरप बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें कोई तार नहीं है, नथिंग, सिंपल सिरप। अब इस गुड़ के सिरप को हम ऐड कर देंगे हमारे मिक्सचर में, और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके हमें इसे फिर मिक्स करना है। और जैसे ही आप इसमें गुड़ ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो इसी टाइम पर आपने लड्डू बना लेना है, वरना बाद में लड्डू बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गुड़ हो जाएगा ठंडा और हमारी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए बहुत आराम से इसे हाथों से या किसी स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बना लेंगे इसके लड्डू। वैसे इसके लड्डू बनाते वक्त आपके हाथों की अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि आपको उसे अपनी मुट्ठियों में दबाकर अच्छे से टाइट करना होगा, वरना वो खुल जाएंगे। और उस बीच में अगर आपके लड्डू ठंडे हो जाएंगे तो बाइंडिंग में आएगी दिक्कत। इसके लिए एक सलूशन है मेरी आज की टिप, कि आप उसे फिर से हल्का सा गुनगुना गर्म कर लें और फिर लड्डुओं को बनाएं, आपके लड्डू आसानी से बनेंगे। और इसी के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दी अपनी मेवे के लड्डू की रेसिपी। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, इसे ट्राई ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ईजी और होममेड रेसिपीज़ के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।